अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज के मेरे व्लॉग में मैं आप लोगों को मेरे किचन का मेकओवर और मैंने इसे कैसे ऑर्गेनाइज किया है मैं आप लोगों से ये शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मेरा एम्प्टी किचन है और बेसिकली इसके दो काउंटर टॉप दिए हुए हैं और इसमें बहुत सारे कैबिनेट्स है और ये जो खाली जगह देख रहे हैं आप, ये गैस की है। मेरे इस किचन को मुझे कैसा ऑर्गेनाइज करना था ये मैंने तो सोच लिया था, उस हिसाब से ही मैंने अपने किचन के लिए कुछ सामान भी खरीदा था, कुछ शॉपिंग भी की थी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर एक होममेड DIY लिक्विड बनाया है। सबसे पहले मैंने एक बॉटल में यहाँ पर जो बर्तन धोने का लिक्विड है वो डाला था, उसमें 2-3 बूंद नींबू के डाले थे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक चुटकी बेकिंग सोडा का ऐड कर रही हूँ और इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिलाना है। किचन क्लीनिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल लिक्विड है, जो भी हमारे किचन में हम वर्क करते हैं तेल वगैरह की जो चिकनाई होती है वो सब इससे निकल जाती है। तो चलिए फिर क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मेरे ये कॉर्नर से स्टार्ट किया है, यहाँ पर मैं अपना ओवन रखने वाली हूँ तो मैंने सोचा कि मैं पहले इसकी क्लीनिंग कर दूँ। और यहाँ पर एक चॉकलेट बॉक्स से मैंने DIY बनाया है, आप देख सकते हैं। एल्युमिनियम फाइल लगा के मैंने इसे कवर किया था और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था मेरे किचन में। ओवन के ऊपर मैंने यहाँ पर एक फ्रूट बास्केट रखा है और ये जो ट्रे मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने एक कैंडल रखा है और एक फ्लावर पॉट रखा है। और ये कॉर्नर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और इसकी वॉल पर भी मैंने यहाँ पर एक DIY वॉल हैंगिंग बनाया है। और उसकी साइड की कैबिनेट्स में मैंने यहाँ पर रखा है कुकीज़ काउंटर और कुछ नट्स वगैरह। ओवन के साइड वाले काउंटर को अभी मैं क्लीन करूँगी। इस वॉल पर इलेक्ट्रिक बोर्ड है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक केटल रख दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्टैंड रखूँगी, उसके ऊपर मैं अपना केटल रखूँगी ये, और साइड में मैं एक फ्लावर पॉट रखूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरा ये जो कॉर्नर है कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये वाला जो है ये मेरा सिंक एरिया है, यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्टैंड रखा है मेरा। वॉल पर मैंने एक स्पून के लिए हैंग किया हुआ है स्टैंड, और ये वाला जो है रेगुलर बर्तन के लिए मैंने स्टैंड रखा हुआ है। मैं वॉश करती हूँ और यहीं पे पूरे बर्तन रख देती हूँ, इसकी वजह से पानी भी अच्छे से ड्रेन हो जाता है और बर्तन भी हमारे सूख जाते हैं। इसकी जो साइड की वॉल है इस पर मैंने एक स्ट्रेनर हैंग किया हुआ है, एक ब्रश हैंग किया हुआ है। इस वॉल को देखिए आप, मैंने ग्रीन लीव से डेकोर किया था और ये एरिया भी हमारा रेडी है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं ये वाला काउंटर जो है मेरा वो रेडी है और मैंने इसे किस तरह से डेकोर किया हुआ है। तो चलिए फिर मैं आपको मेरे कैबिनेट्स ओपन करके दिखाती हूँ। ये मेरा ओवन के ऊपर वाला कैबिनेट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेगुलर यूज़ होने वाले मेरे कुछ कप्स, कुछ ग्लासेस, कुछ बाउल्स वगैरह रखे हैं जो मुझे रेगुलर यूज़ होते हैं। और इसको मैंने शेल्फ ऑर्गेनाइज़र की मदद से अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, आप देख सकते हैं। और इस कैबिनेट के बाजू वाले कैबिनेट में मैंने यहाँ पर अपना बनाया है पेंट्री यूनिट, आप देख सकते हैं। और इस कैबिनेट में सारी स्नैक्स की चीज़ें मेरी रखी हुई है और इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर ग्लास जार का यूज़ किया हुआ है। ग्लास जार में रखने के ये फ़ायदे होते हैं कि हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमारी ख़त्म होने वाली है और कौन सी चीज़ हमारे पास अभी बाकी है। और इस तरह ग्लास बॉटल से हम अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। कि जो साइड वाला कैबिनेट से इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, मैगी है, पीनट्स है और कुछ बस ऐसे ही रखा है। और इसके बाद चलते हैं दूसरे काउंटर की तरफ। तो ये वाला जो कैबिनेट है मेरा, तो मेरे ये मेरा गैस के बाजू वाला कैबिनेट है और यहाँ पर मैंने दालें वगैरह रखा है। ये सारी जो बॉटल्स आप देख रहे हैं इनका मैंने रीयूज़ किया है, ये सब कॉफ़ी की बॉटल्स है और पत्ती की बॉटल्स हैं, इन्हें मैंने अच्छे से वॉश किया था और मैंने इनमें सारी दालें वगैरह भर के रखी हैं। इनमें से कुछ बॉटल्स ग्लास की है और कुछ प्लास्टिक की है, मगर ये सब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। तो इस तरह से हम अपने किचन को कम बजट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अच्छे से।
ओवन के नीचे जो ये कैबिनेट है मैंने यहाँ पर रखा है सारे बर्तन जो मुझे रोज़ यूज़ होते हैं, तो मैंने इन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है एक में एक डालकर। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र नहीं था तो मैंने इन्हें अच्छे से एक में एक डालकर रखा है। इसके नीचे मैंने यहाँ पर कुछ बड़े कंटेनर लिए, उसमें मैंने यहाँ पर आटा, चावल, शक्कर और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सब डाल के मैंने यहाँ पर रखा है। और आप देख सकते हैं इस कैबिनेट को मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। और उसके साइड वाले कैबिनेट में मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ें रखी हुई है, जैसे हैंड वॉश वगैरह जो एक्स्ट्रा हम लाते हैं वो मैंने रखा है। सिंक के नीचे वाले कैबिनेट में मैंने यहाँ पर एक बास्केट रखी हुई है, इसके तीन शेल्फ है, तो सबसे नीचे वाले शेल्फ में मैंने यहाँ पर रखा है जो मेरे किचन्स के टॉवल वगैरह है, फिर पोटैटो और अनियन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने रखी हुई है। और इसमें मैंने जो मेरा एक्स्ट्रा का जो बड़ा वाला पॉट है, जो मेरा स्ट्रेनर है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी है। इसके बाजू वाला जो कैबिनेट है इसमें मैंने अपने डिनर सेट रखे हैं, तो ऊपर वाले में मैंने सारी प्लेट्स रखी हुई हैं और ये जो नीचे वाला है इसमें मैंने सारे बाउल्स वगैरह रखे हैं, जो बड़े वाले बाउल्स वगैरह हैं मेरे, ये सब मैंने ट्रे वगैरह ये सब इसमें रखे हैं। और ये वाली जो प्लेट्स है ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ तो मैंने इसे सामने ही रखा है कि मुझे लेने में ईजी पड़े। इसके बाद मैं अपना गैस के बाजू वाला काउंटर को क्लीन कर रही हूँ। इस काउंटर पर ये मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी क्योंकि ये ज़रा छोटा काउंटर है, तो मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसेस के जो मेरे ये बॉक्सेस हैं मैं ये रखूँगी। और इसको डेकोर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्लांट लिया है और एक राउंड ट्रे लिया है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर एक कैंडल रखूँगी और ऑयल की बॉटल। आप देख सकते हैं इस काउंटर को मैंने किस तरह से डेकोर किया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग गैस के बाजू वाला काउंटर को क्लीन करेंगे। और इस कॉर्नर पे मैंने यहाँ पर एक स्टैंड रखा है और उस पर मैं अपना मिक्सर रखूँगी। और उसके साइड में मैंने यहाँ पर एक स्टैंड लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है और एक टिश्यू होल्डर मैंने यहाँ पर रखा है जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किचन में। और उसके साइड में ये है मेरा टी कॉर्नर, तो मैंने यहाँ पर अपने शुगर के और टी के जार रखे हैं। और एक साइड में मैंने यहाँ पर मनी प्लांट रखा है और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पर अपना स्पून स्टैंड रखा है। इस तरह से मैंने अपने टी कॉर्नर को ऑर्गेनाइज़ किया है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और उसके नीचे के ये जो ड्रॉअर है, तो फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने कुछ स्पून वगैरह रखे हैं यहाँ पर, एक बास्केट पे मैंने सब डाल के अच्छे से रखा है, आप भी इस तरह से रख सकते हैं। जो नीचे वाला ड्रॉअर है ये मेरा स्पाइसेस का है, तो मैंने यहाँ पर सारे बॉटल्स एक जैसी दिखती है इसलिए मैंने इन पर नाम लिख के रखा है ताकि मैं कन्फ्यूज़ ना हूँ। और ये जो ग्लास की बॉटल आप देख रहे हैं ये सारी बखूर की बॉटल्स हैं, तो मैंने इनका रीयूज़ किया है। और उसकी जो ये साइड वाला कैबिनेट्स है, तो मैंने यहाँ पर अपने सारे किचन के अप्लायंस रखे हुए हैं जो मुझे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। उसके नीचे मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हैं जो मुझे ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। और लास्ट में मैं कारपेट बिछा रही हूँ अपने किचन में। और फाइनल लुक आप देख सकते हैं मेरे किचन का। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द ही। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और जो लोग नए हैं वो लोग भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही, अल्लाह हाफिज़।